Hello and welcome to 100% math. हम कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ के लिए चैप्टर नंबर थर्टीन लिमिट्स एंड तो इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाई है लिमिट्स के इंट्रोडक्शन आई होप उसमें आपको सारे फॉर्मूला सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं बट अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसको भी जाकर देखिए टेन टू फिफ्टीन मिनट्स लगेंगे बट वो अगर समझ में आ जाएंगे फॉर्मूलाज तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा तो बेस बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं विद एन सी 30 एनसीआर की एक्सरसाइज 13.1 जो है उसमें 32 क्वेश्चंस हैं जिसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 22 क्वेश्चन एक जैसे हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपका बेस बनाने के लिए फॉर्मूलाज को समझने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं कैसे लिमिट सॉल्व होती है वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ तो ये वीडियो जो है किसी को अगर नहीं भी लिमिट्स आते हैं तब भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन इवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो आपको ये लिमिट्स कैलकुलेट करनी है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स प्लस थ्री तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो ठीक है तो वो वैल्यू पुट करने से यहाँ पर जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बननी चाहिए ठीक है तो हम ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड सबसे पहले लगा कर देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम थ्री वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह पर तो हमारे पास क्या मिलता है थ्री प्लस थ्री क्या हो जाता है सिक्स तो हमारा नहीं आ रहा है जीरो बाय जीरो फॉर्म तो आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स इसका आंसर है क्वेश्चन टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई या टेंड्स टू पाई एक्स माइनस ट्वेंटी जगह पर आपको पाई डालना है सो पाई माइनस ट्वेंटी टू बाई सेवन ठीक है तो ये इसका आंसर है मेन मेन बात है कि यहाँ पर जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए ओके जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो थर्ड क्वेश्चन लिमिट आर टेंड्स टू वन स्क्वायर ठीक है तो यहां पर आर की वैल्यू आप वन पुट करके देखिए पाई की वैल्यू आपको खुद से पुट नहीं करनी है जब तक उन्होंने कहा ना हो सो so, आर की वैल्यू वन पुट करी पाई इंटू वन का स्क्वायर पाई तो आंसर क्या है आपका पाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर लिमिट एक्स टेंस टू फोर फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू अब यहाँ पर डिनोमिनेटर आ चुके हैं तो अब ध्यान से यूज करना है अभी सबको तो यहाँ पर आप एक्स की अगर वैल्यू फोर डालते हो तो फोर माइनस टू नीचे डिनोमिनेटर में टू ही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो फोर इन टू फोर प्लस थ्री एक्स की जगह पर फोर डालना है फोर माइनस टू सिक्सटीन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू दैट इज नाइनटीन बाई टू तो ये इसका आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन अब अगर आप माइनस वन पुट करते भी हो तो यहाँ पर माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो माइनस वन की पावर टेन माइनस वन की पावर फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन माइन माइनस वन ठीक है ये आपने करा माइनस वन की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव का वन हो जाएगा माइनस वन की पावर क्या है ऑड है तो ये माइनस वन आ जाएगा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू ये वन से वन कैंसिल सो आंसर इज वन बाय माइनस टू और यहाँ लिख सकते हो माइनस वन बाय टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस वन की पार फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हो तो आपका डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है जीरो बन रहा है तो वो हमें नहीं चाहिए होता है सो तो इसलिए हम इसमें यहाँ पर कुछ और मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर आपका फैक्ट्राइजेशन करना भी डिफिकल्ट है क्योंकि पावर फाइव है ठीक है तो अब यहाँ पर मैं आपको ये फॉर्मूला आपको बताया था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन ये आपको फॉर्मूला बताया रहा था ट्राई टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट ओके अब यहाँ पर x प्लस वन की पावर फाइव है तो अगर आप यहाँ पर x प्लस वन को कोई और वेरिएबल मान लो y मान लो तो ये बन गया y की पावर फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स की नीचे एक्स है तो आपने एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है सो so एक्स की वैल्यू आ गई वाई माइनस वन वाई माइनस वन आ गया और लिमिट कहाँ से कहाँ चली जाएगी पहले क्या था एक्स वेरिएबल था टेंस टू जीरो अब यहाँ पर क्या होता है एक्स टेंस टू ए अब यहाँ पर ए कहाँ है ये रहा ए है ना तो ए क्या है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में वन ठीक है तो वन हमारा आ गया वाई टेंस टू वन वेरिएबल वाई हो गया ना और टेंस टू वन वन कैसे आया क्योंकि एक्स टेंस टू ए होता है यहाँ पर तो ए क्या है यहाँ पर ए की पावर एन और यहाँ पर क्या है हमारे पास वन है तो वाई टेंस टू वन हो गया अब यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला uh, क्या है हमारा एन ए की पावर एन माइनस वन ये फॉर्मूला है अब एन क्या है एन क्या होती है ये पावर है ना तो पावर क्या है आपकी फाइव ए क्या है आपका वन ठीक है ये क्या है वन और एन माइनस वन यानी कि फाइव माइनस वन फाइव इन वन की पावर फोर यानी कि फाइव तो आंसर क्या है इसका फाइव है ओके तो इस तरह से आपको इसके सल्यूशन करने हैं क्वेश्चन सेवन लिमिट एक्स टेंड्स टू टू अब अगर यहाँ पर डायरेक्ट सब्सिट्यूट करते हो टू तो टू का स्क्वायर होता है फोर ठीक है फोर माइनस फोर कितना हो जाएगा जीरो तो ये तो जीरो आ रहा है तो हम डायरेक्ट उसको तो सब्सिट्यूट नहीं कर सकते तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो सकती है क्योंकि पावर टू है तो फैक्टराइजेशन आराम से कर सकते हो तो ऊपर आप स्प्लिटिंग न मिडिल टर्म लगाओ और नीचे आप फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ठीक है तो कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और जब तक आपने पुट नहीं करनी वैल्यूज तब तक ये लिमिट जो है वो एज इट इज़ साथ साथ लिखनी है ओके okay. सो so, हम इसको ब्रेक करेंगे थ्री एक्स स्क्वायेयर सिक्स एक्स और फाइव एक्स में ठीक है क्योंकि सिक्स फाइव से थर्टी होता है और माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस एक्स होता है नीचे एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर ठीक है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू फर्स्ट टू टर्म्स कॉमन एक्स माइनस टू देन फाइव कॉमन एक्स माइनस टू नीचे आ गया एक्स प्लस टू और साथ में एक्स माइनस टू लिमिट x अप्रोचेस to 2, 3x एक्स प्लस फाइव x माइनस x एक्स प्लस टू एक्स माइनस अब कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रही है, x माइनस 2 कैंसिल हो गया लिमिट x अप्रोचेस to 2, 3x एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस ये आया हमारा सिंप्लीफाई करके अब पुट करके देखो वैल्यूज अब वैल्यूज पुट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वैल्यू पुट करो थ्री 2 टू प्लस

टू इंटू नाइन माइनस फिफ्टीन माइनस एटीन माइनस एटीन जीरो है ना बन रहा है ना डिनोमिनेटर में जीरो तो हम यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले ठीक है ये मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि कई बार अगर सिंप्लीफाइ मतलब अगर सब्सटीट्यूट करने से जीरो नहीं बन रहा है तो हम डायरेक्ट वैल्यूज ही सब आ, कर देते हैं ना ठीक है तो इसलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखना होगा एक्स टेंड्स टू थ्री एक्स की पावर फोर मैं इसको ले रही हूं एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर ठीक है माइनस नाइन का स्क्वायर नीचे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ टू एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स में इसको मैंने ब्रेक uh, किया है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस नाइन नीचे आ गया टू एक्स कॉमन एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स वन कॉमन एक्स माइनस थ्री लिमिट एक्स टेंस टू थ्री ओके okay, अब यहां पर लिमिट x टेंस टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन आप फिर से इस एक्स स्क् माइनस नाइन को ब्रेक कर सकते हो किस में एक्स प्लस थ्री में और एक्स माइनस थ्री में है ना डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन और साथ में एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री कट हो गया अब आप सब्सटीट्यूट करो वैल्यू तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वन ठीक है आप सब्सिट्यूट करोगे जब तो थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन ठीक है थ्री प्लस थ्री ये मैंने अपर न्यूमिनेटर में सब्सिट्यूट की वैल्यू टू इंटू थ्री प्लस वन ठीक है तो ये आ गया नाइन प्लस नाइन एटीन ठीक है और साथ में सिक्स डिवाइडेड बाय ये आ गया आपके पास टू थ्री जिक्स प्लस वन सेवन तो कटिंग होनी रही तो एटीन सिक्स बाई सेवन सोसर इज वन हंड्रेड एट डिवाइडेड बाय सेवन क्वेश्चन नाइन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस पी सी एक्स प्लस वन अब यहां पर डायरेक्ट अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करती हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना जीरो नहीं ना बन रहा नीचे तो ए इंटू जीरो प्लस पी C into zero plus one, a into zero zero plus b, c into zero zero plus one, so सो आंसर इज upon one, यानी कि b, ठीक है तो ये कभी कभी हम डायरेक्ट substitution मेथड से ही questions को निकाल सकते हैं देन क्वेश्चन ten, लिमिट देट approaches टू one, z की पावर one by three minus one, z की पावर one by six minus one. अब ये फिर से वैसा वाला formula है x की पावर n माइनस ए की पावर n x माइनस ए एन ए एन माइनस वन लिमिट x अप्रोचेस टू a ये है ना हमारे पास अब यहां पर मैं किस को कौन सा वेरिएबल पुट करूंगी देखो लेट मान लेते हैं कि z की पावर वन बाय सिक्स को मैं पुट कर रही हूँ x तो अगर यहां पर मैं दोनों का स्क्वायरिंग कर दूं तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा z की पावर वन बाय सिक्स इंटू टू यहाँ पर x का स्क्वायर तो ये हो जाएगा z की पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मुझे दोनों की वैल्यूज पता चल गई ना z की पावर वन बाय सिक्स भी पता चल गई z की पावर वन बाय थ्री भी पता चल गई अब यहाँ पर पुट करो z की पावर वन बाय थ्री क्या निकाला मैंने x का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय z की पावर वन बाय सिक्स क्या माना था x तो x माइनस वन कन्वर्ट कर दिया इसको इस फॉर्मेट में तो और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी यहाँ देखो z अप्रोचेस टू वन था ठीक है यहाँ पर x टेंड्स टू a होता है तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि x वेरिएबल आपने माना और a क्या है आपका इस क्वेश्चन के लिए भी वन ही है ठीक है तो x टेंड्स टू वन होगा ओके okay. अब यहाँ पर अगर आप वन यहाँ पर पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो पहले इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे x x ये ब्रेक करो इसको x one, x में और नीचे x माइनस वन ये कट गया x माइनस एक्स माइनस वन तो बचा क्या मेरे पास x प्लस वन अब आप वन पुट करो तो वन प्लस वन कितना आ गया टू आ गया तो आंसर क्या है इसका टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन लिमिट एक्स ए इंटू वन का स्क्वेयर प्लस बी इंटू वन प्लस सी सी इंटू वन का स्क्वेयर प्लस बी इंटू वन प्लस ए पुट कर दी वैल्यू सो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा नीचे आएगा सी प्लस बी प्लस ए दोनों इक्वली है सो so दोनों कट हो गए सो आंसर इज वन ओके क्वेश्चन ट्वेल्व लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू वन बाई एक्स प्लस टू थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फिर पुट करते हैं क्योंकि डायरेक्ट अगर माइनस टू यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो जीरो बन रहा है है ना तो वो नहीं करना है हमें two, तो यहाँ पर हम इसका एल्सियम ले रहे हैं टू एक्स आ जाएगा तो यहाँ आ गया टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू तो ये देखो एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू ये दोनों ही आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा क्या वन बाय टू एक्स सिर्फ लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू अब अगर आप माइनस टू पुट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है टू इंटू माइनस टू माइनस वन बाय फोर तो ये आपका आंसर है माइनस वन बाय फोर क्वेश्चन लिमिट एक्स जो है वो सेम होने चाहिए बट यहाँ पर हमें गिवन है ए एक्स यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर बी एक्स गिवन है तो थोड़ा सा पहले इसको सिंपलीफाई तो करना ही पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स बाय बी एक्स अब मुझे अगर ऊपर ए एक्स है तो नीचे भी ए एक्स चाहिए तो मैं इसको यहां पर ऊपर नीचे ए एक्स ए एक्स से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा अब यहां पर ये वाला जो ए एक्स है वो इधर ये वाला जो ए एक्स है वो इधर लेके आ रही हूँ और इस बी एक्स को इधर लिख रही हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही है ए एक्स बाय बी एक्स सबसे पहले क्या किया है मैंने नीचे भी मुझे ए एक्स ही चाहिए तो मैंने क्या किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ए एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा मैंने सिर्फ इंटरचेंज करी है इनकी पोजिशन ए एक्स और बी एक्स की ठीक है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अब यहाँ पर ये जो एक्स एक्स से कैंसिल हो गया और ए तो कॉन्स्टेंट है ए बायी जो है वो बाहर लिख सकते हैं अंदर मेरे पास बचा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स बाई एक्स अब ये जो चीज है वो क्या बन गई है वन बन गई है क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ए बायटू वन आंसर इज ए बाय बी तो ये फॉर्मूलाज यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ओके क्वेश्चन फोर्टीन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि अब दोनों तरफ साइन ए एक्स और बी एक्स था अब ये इसको हम बना सकते हैं साइन ए एक्स बाय ए एक्स ठीक है AX AX, और नीचे वाले को बनाना पड़ेगा साइन बी एक्स बाय बी एक्स है ना तो जाके बात बनेगी एक बार बता देती हूँ लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पहले सोचने की आदत डालनी पड़ेगी अगर सोच नहीं पाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे ठीक है अब यहां पर वही फॉर्मूला हमने यूज करना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन अब इसको ए एक्स बाई एक्स बनाना है और इसको बी एक्स बाई बी एक्स बनाना है वो कैसे करोगे स्टार्ट करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो में हम क्या करते हैं इसको हम ए एक्स बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और denominator में हमें बी एक्स बाय बी एक्स इस तरह से कर लेते हैं ठीक है क्योंकि जो जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अब ये वाला जो एक एक्स है वो इस साइड लिख रही हूँ और एक ए एक्स को ऐसे लिख लेती हूँ और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर लेती हूँ साइन बी एक्स बाई बी एक्स अगर ये नहीं सोचा होगा ना तो ये चीज आप बना नहीं पाओगे ठीक है तो ये सोचना बहुत जरूरी है अब यहां से अब हमें पता चल रहा है कि ये जो चीज है लिमिट दोनों की अलग अलग कर सकते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ठीक है सॉरी एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स ठीक है डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन बी एक्स बाय ठीक है और ये साथ में मैंने ए एक्स बाय बी एक्स इस तरह से अलग कर लिया एक्स एक्स कैंसिल हो गया ए बाय बी कॉन्स्टेंट है तो ए बाय बी में बाहर निकाल सकती हूँ अंदर मेरे पास बच्चा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स बायक्स डिवाइडेड बाई ये बाई बी दोनों के साथ रहेगा ठीक है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स बाय बी एक्स अब ये भी वन हो गया ये भी वन हो गया सो ए बायप्लाई बाय वन बाई वन आंसर क्या है ए बाय ठीक है जब एमसीक्यूज में ये चीजें सॉल्व करते हो तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं तो आपको डायरेक्ट ही आंसर पता चल जाएगा बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको ओके okay? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस पाई माइनस एक्स अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो ये देखो साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय पाई माइनस एक्स तो क्या है वन है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पर साइन एक्स एक्स जैसे मर्जी फॉर्मेट में हो सकता है तो यहां पर पाई माइनस एक्स है तो यहां पर क्या होगा पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस एक्स क्या है वन है ये चीज तो वन है बट बच्चा क्या मेरे पास पाई और पाई क्या है कॉन्स्टेंट तो हम इसकी लिमिट थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं पाई माइनस एक्स टू जीरो ठीक है और ये वन बाय पाई मैं बाहर ले रही हूं कांस्टेंट है अंदर मेरे पास बच रहा है साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स ठीक है तो ये क्या हो गया वन हो गया सो वन बाय पाई मल्टीप्लाई बाय वन सो आंसर इज वन बाय पाई तो बहुत इजीली आप एमसीक्यूज में ये चीजों को सॉल्व कर पाएंगे ओके क्वेश्चन सिक्सटीन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरोड बाई पाई माइनस एक्स अब अगर यहां पर आप x की जगह पर जीरो डाल भी रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी देख लो चाय डाल के कॉज जीरो हो गया डिवाइडेड बाय पाई माइनस जीरो तो कॉज जीरो की वैल्यू आपको पता है वन होती है डिवाइडेड बाय पाई माइनस जीरो या वन बाय पाई आ गया आंसर ठीक है तो जब कुछ सब्सटीट्यूट करने से आपका डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड ही आपको लगाना है अब आपको यहाँ पर ना कॉस टू एक्स का फॉर्मूला जो हम चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ने वाले हैं क्लास प्लस वन में उसको आपको यहीं पर याद रखना होगा ठीक है तो हम यहाँ पर कॉस टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है टू कॉस स्क् एक्स माइनस वन ठीक है कॉस टू एक्स का ये फॉर्मूला है ठीक है तो आप एज इट इज इसको याद रख सकते हो साथ में माइनस वन आ जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस वन ओके तो हम यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये साथ साथ ऐसे ही चलेगी टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस वन ऐसे हो गया ब्रैकेट ओपन कर दी कॉज एक्स माइनस वन ठीक है तो हमारा न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस वन अब आप न्यूमरेटर में से क्या कॉमन ले सकते हो न्यूमरेटर में से आप टू कॉमन ले सकते हो अंदर बचेगा कॉस स्क्र एक्स माइनस वन नीचे आ गया कॉज एक्स माइनस वन है ना लिमिट को आपको साथ साथ तब तक लिखना होता है जब तक आप उसकी वैल्यू पुट नहीं कर लेते ठीक है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू इन टू ये ब्रेक हो जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ कॉज एक्स प्लस वन एंड कॉज एक्स माइनस वन ठीक है डिवाइडेड बाय कॉज एक्स माइनस वन ओके कॉज एक्स माइनस वन कॉज एक्स माइनस वन कट किया सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू इंटू कॉज एक्स प्लस वन ये बचा आपके पास अब आप अगर वैल्यू पुट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो चुका है तो अब आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो हो जाएगा प्लस वन वट इज कॉस जीरो कॉस जीरो हमारा होता है वन ठीक है तो वन प्लस वन टू इंटू टू कितना हो गया फोर तो आंसर क्या है आपका इस क्वेश्चन का फोर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पर अगर आप आ, डाल रहे हो साइन जीरो जीरो होता है तो डिनोमिनेटर जीरो तो तो चलेगा यहाँ पर ठीक है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो अपर में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले सकती हूँ अंदर क्या आ जाएगा ए प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई बी साइन एक्स है ना? और b नीचे कॉन्स्टेंट ही है तो वन बाई बी मैं कॉमन बाहर ले रही हूं ठीक है x अप्रोचेस टू जीरो आ गया आपके पास ओके अब यहां पर आप क्या कर सकते हो आपको एक फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है वन होता है ठीक है तो पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स बाय साइन एक्स ठीक है और ए प्लस कॉज एक्स को मैं अलग कर रही हूँ ठीक है अब यहां पर मेरे पास क्या है साइन एक्स बाय एक्स चाहिए होता है बट है क्या एक्स बाय साइन एक्स है बट स्टिल आई कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई करके कुछ कर सकती हूँ इसको ठीक है तो पहले इसकी लिमिट्स अलग अलग करते हैं तो वन बाय बी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स बाय साइन एक्स ठीक है और साथ में मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए प्लस कॉज एक्स ठीक है ये मैंने इसकी लिमिट दोनों के अलग अलग कर दी दोनों को सेपरेट कर दिया क्योंकि मुझे इस चीज को क्या बनाना है वन बनाना है ठीक है अब ये मैं वन बनाऊंगी कैसे इसको एक और स्टेप सिंप्लीफाई करके लिख रही हूं ये जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू तो जीरो ए प्लस कॉज एक्स है वो इस साइड लिख रही हूं और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू तो जीरो एक्स बाय साइन एक्स ऐसे करके लिख रही हूं। कोई प्रॉब्लम है बस लेफ्ट को राइट right में लिखा है राइट right को लेफ्ट पे लिखा है कोई मतलब एक्सचेंज उनकी पोजिशन ठीक है अब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको मैं डिवाइड के साइन में चेंज कर सकती हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए प्लस कॉज एक्स बीच में डिवाइड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो ये डिवाइड से क्या हो जाएगा ये चीज उल्टी हो जाएगी ठीक है अब ये उल्टा हो गया है तो हमारा काम आसान हो गया है तो इसका आंसर क्या हो गया वन ठीक है जो हम चाहते थे हमने वो कर लिया एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए प्लस कॉस एक्स ठीक है अब डिवाइड बाय वन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसको मैं मिटा भी दूं भी यहां पर अब नहीं भी लिखूंगी तो भी चलेगा ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब यहां पर वन बाय बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए प्लस X, सिर्फ ये बचा मेरे पास आप जीरो की वैल्यू मतलब जीरो पुट करो तो ये वन बाय बी हो गया ये हो गया ए प्लस जीरो ठीक है वन बाय बी ए प्लस कॉस जीरो जीरो की वैल्यू होती है वन सो आंसर इज ए प्लस वन डिवाइडेड बाय बी लॉन्ग क्वेश्चन है बट एक बार जब समझ आ जाए तो बहुत ही कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो आंसर है ए प्लस वन डिवाइडेड बाई बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 लिमिट अप्रोचेस टू ठीक है तो आप डायरेक्ट अगर वैल्यू सब्सिट्यूट करते हो या थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो एक्स बायेड एक्स का उल्टा क्या होता है हमारे पास कॉज एक्स है ना तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पुट करके जीरो देखो तो जीरो अपॉन कॉज जीरो जीरो टू जीरो जीरो की वैल्यू वन होती है जीरो अपॉन वन क्या हो गया जीरो क्वेश्चन आप इस चीज को क्या बनाओगे आप इस को किसी तरह से बनाओगे साइन ए एक्स बाई एक्स ठीक है और इस चीज को कैसे बनाओगे साइन बी एक्स बाई बी एक्स इनको वन बनाने के लिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम यहां से कुछ कॉमन नहीं ना ले सकते तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो अगर मुझे इसको साइन ए एक्स बाई एक्स बनाना है तो ऊपर नीचे ए एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस बी एक्स ठीक है अब यहाँ पर ए एक्स प्लस इसको मुझे क्या बनाना है साइन बी एक्स बाय बी एक्स तो ऊपर नीचे बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो ठीक है अब लिमिट्स जो है वो अलग अलग कर लेते हैं सो so, न्यूमरेटर की लिमिट्स अलग कर लेते हैं एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाय एक्स हो गया ठीक है मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स ठीक है प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी एक्स ठीक है ये न्यूमिनेटर का अलग अलग कर दिया सारा अब डिनोमिनेटर की बारी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स बाय बी एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड्स टू जीरो बी इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया बस सबके आगे लिमिट्स लगा दिया है जो मल्टीप्लाई का साइन था वो वैसे ही रहेगा प्लस का साइन है वो वैसे ही रहेगा अब देखो अब ये जो चीज है वो क्या बन रही है वन है ना तो ये बन गया वन और यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर जीरो पुट करती हूँ ठीक है अगर मैं यहाँ पर चलो अभी नहीं पुट करते अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो bx डिवाइडेड बाय यहाँ पर अभी मैं वैल्यूज नहीं पुट करी नेक्स्ट स्टेप में करवाऊंगी एक्स ठीक है और ये चीज क्या बन गई है ठीक है प्लस वन मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी एक्स ठीक है एक और स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ठीक है मेरे पास यहां पर बच रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो अब एक ही कर सकती हूँ लिमिट में ए एक्स प्लस बी एक्स ठीक है और नीचे मेरे पास आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए एक्स प्लस बी एक्स ठीक है अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम ही बन गए हैं सो मैं यहाँ पर लिमिट भी इनकी सिंगल कर लेती हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये बच रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स ठीक है तो ये कैंसल होकर कितन क्या रह गया वन तो कोई वेरिएबल है ही नहीं तो वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है तो आंसर क्या है इसका है 21. X zero, x x, है? तो दो हम यूज करने वाले अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इसको थोड़ा सा मैं पहले सिंप्लीफाई करूंगी वन बाय साइन एक्स और ये हो गया कॉज बाय साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुला लगा दिए ठीक है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये हो गया साइन एक्स और ऊपर बन गया हमारे पास वन माइनस कॉज एक्स अब इस वन माइनस कॉज एक्स को मुझे ये बनाना है और ये साइन एक्स को मुझे ये बनाना है साइन एक्स बाय है ना तो जब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो ना तो क्या बनाना है तो उससे जल्दी आ जाता है वन माइनस कॉज एक्स बाय एक्स ऊपर नीचे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया लिमिट भी मैं साथ ही अलग कर ली हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स और एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ओके एक्स से एक्स कैंसिल हो गया ठीक है अब यहां पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो चीज ऊपर न्यूमिनेटर क्या हो गया जीरो और डिनोमिनेटर क्या हो गया वन जीरो बाय वन कितना हो गया आंसर इज जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाए बाय टू टैन टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई बाय टू अब यहाँ पर आप देखो अगर आप डायरेक्टली पाए बाय टू पुट कर रहे हो तो जीरो बन रहा है तो वो हमें नहीं चाहिए तो मैं ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं एक और वेरिएबल पुट कर रही हूँ दैट इज वाई ठीक है ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया ठीक है तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी अब लिमिट पहले क्या थी एक्स अप्रोचेस टू पाए बाय टू है ना X अगर करूं, तो 2, कितना हो गया जीरो तो मतलब वाई अप्रोचेस टू क्या हो गया जीरो इस तरह से मैंने ये लिमिट निकाल ली है ठीक है तो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो जब हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट का जो नीचे वाला वेरिएबल है वो भी चेंज होता है ओके सो so, यहाँ पर हो गया टेन टू अब एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी वाई प्लस पाई बाई टू क्योंकि एक्स माइनस फाइव बाई टू को वाई पुट किया था पाई बाई टू को उधर ले जाओ तो टू इंटू वाई प्लस पाई बाय टू ये हो गया डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव बाई टू को हमने वाई पुट किया तो सारा जो मैंने चेंज करके वाई में कन्वर्ट कर लिया है ठीक है अब आ जाएगा लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो टेन टू वाई ठीक है प्लस पाई है ना मैंने अंदर टू को मल्टीप्लाई कर दिया टू इंटू वाई टू बाई हो गया टू इंटू पाई बाई टू पाई रह गया ठीक है डिवाइडेड बाय वाई ये हो गया अब टेन टू वाई प्लस पाई ये भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास फॉर्मुलाज होते हैं कि टेन में जब भी हम टू वाई प्लस पाई करते हैं सो दिस इज इक्वल टू टेन वाई ओनली ठीक है सो टेन टू वाई ओनली ओके सेम फंक्शन रहता है अगर पाई में टू कर मतलब तो पाई में कोई भी फंक्शन प्लस करते हैं हम टैन जब बाहर होता है तो वो सेम ही रहता है टैन टू वाई रहता है अभी फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो सो दिस इज टैन टू वाई डिवाइडेड बाई वाई लिमिट y approaches to zero कुछ चीजें जो हैं वो चैप्टर नंबर थ्री में आपको करवानी है बट वो टर्म टू में आपके इंक्लूडेड है तो कुछ फॉर्मूलाज है वो आपको इस चैप्टर में यूज होते हैं तो आप एज इट इज ही याद कर सकते हो फिलहाल के लिए ठीक है तो अब यहाँ पर tan 2 by by y हो गया अब हम इसको tan को कैसे चेंज कर सकते हैं tan को हम चेंज कर सकते हैं sine और cos में तो मैं चेंज कर रही हूँ sine by sine 2 by upon cos 2 by tan 2 by को मैंने sine और cos में चेंज कर लिया एक नीचे y एडिशनल भी था वो यहाँ पर लिख रही हूँ सो लिमिट y approaches to zero ठीक है अब यहाँ पर मुझे formula किस किस के पता है एक तो मुझे पता है कि sine x divided by x क्या होता है वन होता है है ना ये पता है ना मुझे अच्छे से तो मैं इसको बना सकती हूँ कैसे भी करके देखो साइन टू वाई मेरे पास प्रेजेंट है नीचे अगर किसी तरह से यहाँ पर टू वाई बन जाए टू वाई बन जाए तो क्या हो जाएगा ये कर, मतलब वन बन जाएगा है ना लिमिट चेंज करके तो यहाँ पर मैं करती हूँ लिमिट वाई अप्रोचेस टू तो जीरो साइन टू वाई अपॉन टू वाई ठीक है तो मैंने क्या किया बेसिकली ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू डिवाइडेड बाई कॉस टू वाई ठीक है तो अब इसको ये जो चीज है वो क्या बन गया है वन बन गई है ठीक है पर हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसको लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो साइन टू तो वाई बाय वाई ठीक है इसकी लिमिट अलग कर दी मल्टीप्लाई बाय लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो टू अपॉन कॉस टू वाई ठीक है तो ये जो चीज है ये वाला फैक्टर जो है मतलब ये हमने वन कर दिया मल्टीप्लाई बाय लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो टू अपॉन कॉस टू वाई ठीक है अब आप अगर वैल्यू पुट करते हो ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी देखो पुट करके देखो तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर बच रहा है लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो टू अपॉन कॉस टू वाई ठीक है तो वैल्यू पुट करो टू अपॉन कॉस टू इंटू जीरो ठीक है वाई तो की वैल्यू जीरो पुट करी टू इंटू कॉस जीरो तो कॉस जीरो सो आंसर इज टू सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन